बड़े गुस्से से मैं घर छोड़कर चला आया। इतना गुस्से में था कि पापा के ही जूते पहन के निकल गया। मैं आज बस घर छोड़ दूंगा और तभी लौटूंगा जब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। जब मोटरसाइकिल नहीं दिलवा सकते थे तो क्यों इंजीनियर बनाने के सपने देखते हैं। आज मैं पापा का पर्स भी उठा लाया हूँ जिसे किसी को हाथ नहीं लगाने देते। मुझे पता है इस पर्स में जरूर पैसों के हिसाब की डायरी होगी। पता तो चले कितना माल छुपाए हैं, इसलिए किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जैसे ही मैं कच्चे रास्ते से सड़क पर आया मुझे लगा जूते में कुछ चुभ रहा है। मैंने जैसे जूता निकाल कर देखा मेरे एड़ी से खून निकल रहा था। जूते की कोई कील निकली थी। दर्द तो हुआ पर गुस्सा बहुत था और मुझे जाना ही था घर छोड़ के। जैसे ही कुछ दूर चला मुझे पाँव में गीला गीला लगा। सड़क पर पानी बिखरा पड़ा था। पाँव उठा के देखा तो जूते की तली टूटा हुआ था। जैसे तैसे लंगड़ाकर बस स्टॉप तक पहुंचा और पता चला एक घंटे तक कोई बस नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों न पर्स की तलाशी ली जाए। जैसे मैंने पर्स खोला एक पर्ची दिखाई दी जिसमें लिखा था लैपटॉप के लिए 40,000 लिए, और लैपटॉप तो घर पर मेरे पास है। दूसरा एक मुड़ा हुआ पन्ना देखा तो उसमें पापा का हॉबी लिखा था। उन्होंने हॉबी में लिखे थे अच्छे जूते पहने, पर उनके जूते तो माँ पिछले 4 महीने से हर पहली को कहती है नए जूते ले, और पापा हर बार कह के टाल देते अभी 6 महीने जूते और चलेंगे। मैं अब समझ गया कितने दिन चलेंगे। तीसरी पर्ची, पुराना स्कूटर दीजिए नई मोटरसाइकिल ले जाइए। पढ़ते ही दिमाग घूम गया। पापा का स्कूटर? मैं घर की ओर भागा। अब पाँव में वो कील नहीं चुभ रहे थे। मैं घर पहुंचा तो ना पापा थे ना स्कूटर। मैं समझ गया कहाँ गए हैं। मैं दौड़ा दौड़ा एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। मैं उनको गले से लगा लिया और आंसुओं से उनका कंधा भिगो दिया। नहीं पापा, नहीं चाहिए मुझे मोटरसाइकिल, बस आप नए जूते ले लो। और मुझे अब बड़ा आदमी बनना है, वो भी आपके तरीके से। माँ एक ऐसी बैंक है जहाँ आप हर भावना और दुख जमा कर सकते हैं। पापा एक ऐसे क्रेडिट कार्ड हैं जिनके पास बैलेंस ना होते हुए भी हमारे सपने पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऑलवेज लव योर पेरेंट्स।